सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समीक्षा ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी हैं मस्त। तो अभी तो मैं जा रही हूँ चेतना के घर इनॉग्रेशन के लिए, मतलब उसके ससुराल, और उसके बाद मुझे कहीं और जाना है। तो आप गेस करना और आप नीचे कमेंट में बताना कि मुझे मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे एग्जाम खत्म हो गए, तो फिर भी आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल तो मेरा बैग है रेडी, हम जा रहे हैं, मैं और मेरे भाई। भाई जाएगा बुआ के वहाँ और मैं जाऊँगी चेतना के वहाँ। तो चलते हैं, लेट्स गो। मैं पहुंच गई हूँ अब मेट्रो स्टेशन। अब मुझे लेकिन यहाँ से जाना है इंदर लोक, फिर इंदर लोक से जाना है कश्मीरी गेट, और फिर कश्मीरी गेट से जाना है मुझे वायलेट लाइन में। भाई साहब इतना पंगा है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ इंदर लोक, अब मुझे यहाँ से चेंज करनी है। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अब बड़कल मोड़ चेतना के वहाँ मेट्रो स्टेशन में, और अब मुझे यहाँ से मोंटी लेने आएगा। चलो चलते हैं। ये देखो इन्होंने सुबह सुबह भी पूरी प्रॉपर लाइट खोल रखी है। सो मैं पहुंच गई हूँ घर, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मेरी मेहंदी, और ये मेहंदी इसलिए लग रही है क्योंकि बताना नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ लुक क्रिएट करने वाली है चेतना। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना कि मतलब मेरा क्या लुक क्रिएट होने वाला है। फिलहाल तो मेहंदी लग रही है। एंड जिसको भी मेहंदी लगानी हो वो इसको कांटेक्ट करे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम का। ओके लगाई है, वो आप पूरा व्लॉग देखना एंड तक, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये मेहंदी क्यों लगाई है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो मिलते हैं अरदास में, क्योंकि अभी चेतना के घर में अरदास होगी। अब वो अरदास किस लिए होगी वो भी आपको व्लॉग में पता चलेगा, तो वीडियो स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। तो यहाँ पर हो रही है अरदास, और मैंने बताया नहीं था अरदास किस लिए हो रही है। तो अरदास इसलिए हो रही है, चेतना का मेकअप स्टूडियो खोल रहा है न्यू, तो उसकी आज ओपनिंग है, तो इसलिए आज अरदास हो रही है, पूजा हो रही है। तो यहाँ हो गई है पूजा संपन्न, और अब बटेगा सब में प्रसाद प्रसादा। और ये सब है आंटी जी की फ्रेंड, ये आई थी मतलब चेतना का मेकअप और चेतना को देखने, क्योंकि इन्होंने चेतना को देखा भी नहीं था, और आज मतलब इनॉग्रेशन भी था इसलिए ये सब आए थे। तो इनमें तो प्रसादा बट गया, तो अब यहाँ बट रहा है जीजू और हम सब में प्रसाद, और ये प्रसाद बहुत गर्म हो रहा है लिटरली, इसलिए सब ऐसे उलट पुलट कर रहे हैं हाथ पर। मैं पकड़ लूँगी। तो मैंने जो मेहंदी लगाई थी वो इसलिए लगाई थी क्योंकि चेता मेरा मेकअप करने वाली है अभी, तो अभी तक फ़िलहाल मैंने लहंगा पहना है, तो फिलहाल मैंने तो लहंगा वेयर कर लिया है, अब अभी करेगी मेरा मेकअप। और बेटी ये हुई कि लाइट चली गई, वो तो इन्वर्टर है फिर भी थोड़ा बहुत मतलब लाइट चल रही है, वरना यहाँ पर लाइट चली गई है। अभी यहाँ पर करेगी मेरा मेकअप, लेट्स सी कैसा मेकअप करती है मेरा। और यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग ऐसे जला रही है क्योंकि लाइट चली गई है, मतलब इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना लाइट से, क्योंकि ये प्रॉपर लाइट जली हुई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था।
हो जाए शुरू। तो अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है मेरा आई मेकअप, और फिर पहले आई मेकअप होगा उसके बाद फेस का होगा। और भाई ये बच्चे इतने शैतान हैं, इतने शैतान हैं। सबसे मेन वो गुब्बारे वाली लड़की, वो तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। एसी चला दे, अंदर बैठा दे सारे। तो यहाँ हो गया मेरा आईज मेकअप कंप्लीट। ये मुझे आई लैशेस लगाने के लिए बोल रही थी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे आई लैशेस पसंद नहीं है उतनी, क्योंकि मुझे अपनी आई लैशेस अच्छी लगती है, अपनी लैशेस। तो मैंने इसलिए मना कर दिया, और मैं ऐसे हंसाई जा रही थी इसलिए हंसी जा रही थी, बाप रे। और अब हो रहा है यहाँ पर मेरा फेस का मेकअप, क्योंकि पहले आइज़ करते हैं कम्प्लीट, फिर उसके बाद फेस का करते हैं। तो यह मेरा कर रही है फेस का मेकअप। तो यह लास्ट स्टेप, इसके बाद हो गया मेरा लुक क्रिएट, और वो दिखेगा आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, अगर आपको मेरा लुक देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।